सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्ट्रोक। आज के रेसल किंगडम के 18 पे पर व्यू में गाइज हमें फाइनली IWGP वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच देखने को मिल रहा है। तो इसी मैच के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या करो भाई, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो गाइज, आज के रेसल किंगडम के 18 पे पर व्यू में हमें राइट नाउ गाइज मैच देखने को अभी मिल रहा है IWGP वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए सनाडा वर्सेस तेत्सुया नाइटो के बीच में। अब गाइज, जहां तक कि मुझे याद है, लास्ट टाइम हम इनको सनाडा को हम लोग IWGP वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियंस में कब देखा था? अब देखो, आपको पता होगा कि 2023 में हमें AEW का फॉरबिडन डोर पे पर व्यू देखने को मिला था, AEW क्रॉस NJPW का। और गाइज, तब से ही जो सनाडा है वो IWGP के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है। और गाइज, अभी तक उनके कंधे पे चैंपियनशिप है, यानी कि मैं जून से ही देख रहा हूँ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, भैया 8 महीने से भी ऊपर हो चुके हैं और पता नहीं उससे पहले से भी वो चैंपियन होंगे। तो भैया देखो, आज के तो मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो मैच हो रहा है IWGP वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का, मैं चाह रहा हूँ कि इस वाले मैच में टाइटल चेंज हो जाए और IWGP वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जो है वो किसी और के कंधे पे नहीं बल्कि सनाडा के कंधे पर से तेत्सुया नाइटो के कंधे पे चला जाए। तो देखते हैं गाइस कि आज के मतलब न्यू जापान प्रो रेसलिंग के रेसल किंगडम के 18 पे पर व्यू में हमें इस वाले मैच का क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, क्या टाइटल फाइनली चेंज होता है या नहीं। तो बाय बाय फ्रेंड्स। All you need to do.